दोस्तों, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के साथ अब बहुत सही नहीं चल रहा है। उनकी नई मूवी जिगरा फ्लॉप हो गई है। उसने कितना पैसा कमाया है इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्या हाल बॉलीवुड एपिसोड नंबर 94 में। और बॉलीवुड का हाल बेहाल हो रखा है। अभी एक जिगरा मूवी रिलीज हुई थी जिनमें मेन एक्टर जो हैं, मतलब एक्ट्रेस थी जो कि आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट काफ़ी दिनों बाद फिर पर्दे पर आ रही हैं, बट उनकी ये मूवी फ्लॉप हो गई है। पहले दिन मूवी ने केवल 4.5 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 6.5 करोड़ की कमाई की, बट तीसरे दिन 5.5 करोड़ की कमाई की। मतलब संडे को ड्रॉप देखने को मिला सैटरडे से, जबकि संडे को तो छुट्टी रहती है। तो इसका मतलब मूवी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और मंडे को तगड़ा ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि भाई मूवी इतना नहीं कमा रही है। साथ ही साथ इस मूवी पर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये मूवी जो है ये कॉरपोरेट बुकिंग कर रही है। बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। इस वजह से कंगना वर्सेस करण जौहर एक बार फिर हुआ। कंगना रनौत ने आपको पता है एक स्टोरी लगाई थी जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो अब जो करण जौहर हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जवाब देते हुए कि जो स्टूपिड पीपल हैं उनसे वो मतलब दूर रहना पसंद करते हैं, इस टाइप की उनकी स्टोरी थी। तो अब जिगरा मूवी का क्या रहता है वो तो हम आपको बताएंगे ही, बट धर्मा प्रोडक्शंस के बारे में भी काफ़ी खबरें हैं कि रिलायंस या सारेगामापा उसे टेक ओवर कर सकता है। बट उसके में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो अभी नहीं पता। बट धर्मा प्रोडक्शंस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक अपडेट आया है। किस तरीके से उस पर लिखा गया है कि ओन्ड बाय करण जौहर। तो वहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई अब भी करण जौहर जो है उन्हीं का है धर्मा प्रोडक्शंस और किसी का नहीं। जिगरा कंट्रोवर्सी सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहती है, एक और कंट्रोवर्सी हो गई है। मणिपुर बेस्ड जो एक एक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि मेकर्स जो हैं जिगरा के उन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है। मतलब उन्हें पहले एक रोल बताया गया था बट बाद में बिना बताए उनका रोल काट दिया, उससे उनका टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ। खैर, ये आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक बदनाम करने की बात है? और जिगरा मूवी को अभी लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे उसका भी कारण बताइए, क्योंकि हमें ये कारण लग रहा है क्योंकि एक तो इस टाइम पे एक्शन मूवी सिर्फ अगर बड़े स्टार्स कर रहे हैं जैसे शाहरुख खान वगैरह, ये तभी चल रही है एक्शन मूवी। अदरवाइज एक्शन मूवीज चल नहीं रही है इस टाइम पे। कॉमेडी मूवीज अच्छी जैसे हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर मूवी, उस तरीके की मूवीज ज्यादा चल रही हैं। एक तो ये एक्शन है, और दूसरा चीज़ इसमें कुछ ऐसा रोमांस का एंगल भी नहीं आ सकता क्योंकि एक भाई बहन की एक ये मूवी है, तो वो लोगों को शायद पसंद नहीं आई। खैर, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।